वेलकम टू मैरियम एग्री एकेडमी, प्लीज सब्सक्राइब। टॉपिक के अंदर हम कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं उनके फंक्शंस और उनकी डिफिशियंसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ साइलेंट फीचर्स जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं उनके साइलेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, मॉलिब्डेनम माइक्रोन्यूट्रिएंट। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज में जो है प्लांट इनको यूज करते हैं अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बट दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मॉलिब्डेनम के जो फंक्शंस होते हैं वो आपके जो फंक्शन है वो नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, नाइट्रोजन का यूटिलाइजेशन जो प्लांट में होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो इसके बारे में है कि ये जो है नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेस में जो है उसका कॉन्स्टिट्यूट होता है, नाइट्रेट रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेस में जो राइजोबिया होता है, राइजोबिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नोड्यूल फॉर्म करके आपका नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस क्रॉप में, उसमें जो है उसको यह हेल्पफुल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। फिर बात करते हैं कि ये जो एब्जॉर्प्शन होता है, एसेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है आपका आयरन का और उसका ट्रांसलोकेशन के लिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो है इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके मॉलिब्डेनम के। अब देखिए मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से क्या होता है, देखिए मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी से कॉलीफ्लावर में विप टेल जो डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर में ड्यू टू मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी होता है। देखिए ये जो इमेज है इसके इसमें जो है जो इसकी लीव्स है वो एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर रही है, एक अपीयरेंस जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इसीलिए जो है इसे कहा जाता है विप टेल। तो उसमें क्या होता है लीव्स जो होती है वो बहुत ही नैरो सी हो जाती है और इन ये जो आपकी मुड़ने लगती हैं, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करने लगती हैं कॉलीफ्लावर में ड्यू टू मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इसकी डिफिशियंसी से मार्जिनल नेक्रोसिस, मार्जिनल देखिए ये वाली जो पिक है इसमें देखिए मार्जिनल नेक्रोसिस का मतलब होता है कि जो मार्जिन पोर्शंस होते हैं वो जो है उनमें जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होने लगते हैं, तो ये मार्जिनल नेक्रोसिस सिम्टम भी जो है मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी के आता है। ठीक है, और इसकी जो मॉलिब्डेनम की जो डिफिशियंसी होती है मोस्टली आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप में जो है वो रिपोर्ट की जाती है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो इसकी जो डिफिशियंसी होती है वो मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप में देखी जाती है। और ये क्या करता है फ्लावरिंग को भी जो है इनहिबिट कर देता है, फ्लावरिंग फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है इसकी डिफिशियंसी, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्लांट में उनको भी इम्बैलेंस कर देता है अगर इसकी डिफिशियंसी प्लांट में हो रही है तो। तो ये है आपका मॉलिब्डेनम और उसकी डिफिशियंसी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये जो मैंने आपको विप्टेल बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर कॉमन एग्जाम्स में भी जो है ये डिसऑर्डर जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि विप्टेल जो डिसऑर्डर है कॉलीफ्लावर का वो किस न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से होता है, तो ये आप जो है इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्लोरीन की। देखिए क्लोरीन जो होता है एक अनदर माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिसके फंक्शन जो है देखिए कॉन्स्टेंट ऑफ ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो कि हार्मोन है, ठीक है उसका कॉन्स्टेंट है, और ये जो है बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जैसे फंगस और बैक्टीरिया उनका भी जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोराइड या क्लोरीन। ये जो है आपके जो एंजाइम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को जो है स्टिमुलेट करता है और जो कार्बोहाइड्रेट जो CHO कार्बोहाइड्रेट जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है उसको भी जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है टिश्यूज की उसको जो है ये प्लांट की उसको इंक्रीज करता है, उसको इन्हेंस करता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जिसमें मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जो प्रोसेस होती है वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में आती है, तो उस एक्टिविटी में भी जो है क्लोरीन आपका इन्वॉल्व रहता है, और ये जो है आपका फोटोसिंथेसिस को भी जो है ये इन्फ्लुएंस करता है, उसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, प्लांट में जो है डिजीज रेजिस्टेंस जो है ये प्लांट में फॉर्म करता है, तो ये सारे जो है इसके फंक्शन है। अब देखिए ये जो है एक्ट एज अ काउंटर आयरन ड्यूरिंग रैपिड पोटेशियम फ्लक्सेस, अगर पोटेशियम का ज्यादा जो है एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसके लिए एज अ काउंटर एलिमेंट जो है काम करता है, मतलब उसको अपोज करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को अपोज करता है, तो ये जो है उसका उसके उसके लिए जो है पोटेशियम के जो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है उसके लिए एक यहाँ पे प्लस फैक्टर है कि अगर क्लोरीन
अब वहां सॉइल में अवेलेबल है, तो वो जो है पोटेशियम के एब्जॉर्प्शन को काउंटर करता है, ठीक है। तो ये सारे जो है क्लोरीन के फंक्शंस हैं। अगर बात करें इसकी डिफिशियंसी की, तो देखिए डिफिशियंसी में क्या होता है क्लोरीन की, तो विल्टिंग सिम्टम्स जो है प्लांट शो करने लगता है, विल्टिंग सिम्टम्स। विल्टिंग में क्या होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं टिप से जो है वो क्लोरोसिस मतलब जो डिस्कलरेशन होता है वो शो करने लगती है, डिस्कलरेशन होने लगता है, ब्रॉन्जिंग जो अपेयरेंस है वो होने लगता है। और देखिए इसमें देखिए जिस तरह से ये ड्राई हो रही है, इस तरह से जो है प्लांट की जो लीव्स होती हैं वो ड्राई होने लगती हैं। ये जो पहली इमेज आप देख रहे हैं ये टमाटो की है, टमाटो की लीव्स जो है देखिए किस तरह से क्लोरोसिस शो कर रही हैं, येलो येलो सी जो है ये हो गई हैं ड्यू टू क्लोरीन डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट जो ये प्लांट है ये यहाँ पे देखिए इसकी लीव्स में देखिए लीव्स का जो है कलर चेंज हो रहा है, लीव जो है डार्क ग्रीन कलर से एक येलो पेल येलो कलर जो है वो फॉर्म कर रही है। तो इस तरह से जो है ये क्लोरीन की डिफिशियंसी से जो है लीव्स में सिम्टम्स अपेयर होते हैं, और ये बेसिकली जो है अगर सीवियरिटी है तो नेक्रोसिस इसमें जो है प्लांट्स में हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब कि जो भी प्लांट पार्ट अफेक्टेड है वो प्लांट के जो टिश्यूज होते हैं वो डेड हो जाते हैं और लेटर ऑन जो है वो विदर होके गिर जाते हैं प्लांट से, तो ये होता है नेक्रोसिस। तो इस तरह से जो सीवियर डिफिशियंसी होती है क्लोरीन की उसमें प्लांट में जो है वो नेक्रोटिक सिम्टम्स जो है वो शो करने लगता है, और नेक्रोटिक सिम्टम्स जब प्लांट में आने लगते हैं इट मींस कि प्लांट के जो टिश्यूज हैं वो डेड हो रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो जो है जो एक्टिविटी होती है टिश्यू की मतलब टिश्यू जो एक्टिव होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और विदर हो जाते हैं। तो ये सारी जो होते हैं क्लोरीन की डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम अनदर जो इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है कॉपर, कॉपर के बारे में जानेंगे। देखिए कॉपर जो होता है आपका ये एंजाइम एक्टिवेटर होता है, एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और क्लोरोफिल के प्रोडक्शन में जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑल्सो जो आपकी रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है उसमें एज अ कैटलिस्ट जो है ये वर्क करता है। कैटलिस्ट मतलब जो प्रोसेस को जो है बूस्ट करते हैं, तो वो जो है एज अ कैटलिस्ट कॉपर जो है वहां पे वर्क करता है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर जो एंजाइम जो प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, उस रिएक्शन में जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का जो है ये काम करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो होता है ये जो है विटामिन ए को जो है सिंथेसाइज करता है, एसेंशियल विटामिन ए जो होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल होता है। तो ये सारे जो है कॉपर के फंक्शन है। अब इसकी जो है डिफिशियंसी की बात करते हैं। देखिए जो कॉपर डिफिशियंसी होती है वो मेनली पीट सॉइल और मक सॉइल में जो है ऑफनली देखी जाती है, क्योंकि पीट सॉइल और जो मक सॉइल होती है वो आपकी कॉपर में डिफिशियंट होती है, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में जो है इनमें कॉपर अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो है ये उन प्लांट्स में ज्यादा देखने को मिलती है जो पीट सॉइल और मक सॉइल में जो है ग्रो किए जाते हैं। तो देखिए कॉपर डिफिशियंसी से जो सिम्टम्स अपेयर होते हैं, डायबैक ऑफ सिट्रस जो कि एक बहुत ही हार्मफुल डिसऑर्डर है सिट्रस का, वो होता है ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। देखिए ये प्लांट है आपका सिट्रस का, सिट्रस में देखिए क्या होता है बार्क वाला जो पोर्शन, ये सीडलिंग स्टेज है सिट्रस की और सीडलिंग स्टेज में भी जो है ये अकर करता है जो डिफिशियंसी होती है। इस तरह से देखिए इसके स्टेम पोर्शन में जो है विदरिंग होने लगती है और जो लीव्स होती हैं वो भी जो है आपके जो सिम्टम्स होते हैं डायबैक के वो शो करने लगती है। तो जो डायबैक के सिम्टम्स होते हैं वो बाक पोर्शन जो होता है वो विदर होने लगता है डायबैक में जब सिट्रस कॉपर डिफिशियंसी प्लांट में होती है। तो इस तरह से जो है ये सिट्रस के प्लांट को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल बड फॉर्मेशन, मल्टीपल बड फॉर्मेशन भी ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी जो है प्लांट में देखा जाता है। मल्टीपल मतलब एक साथ बहुत सारी बर्ड जो है फॉर्म हो जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि पुअर बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब जो क्वालिटी होती है बर्ड की वो बहुत ही पुअर होती है। तो इस वजह से जो है ये हार्मफुल होता है प्लांट के लिए। तो ये सारे जो होते हैं इसके सिम्टम्स होते हैं। और जो मल फॉर्मेशन होता है लीफ एक्सेल और मल फॉर्मेशन ऑफ लीव्स होता है वो भी कॉपर डिफिशियंसी से होता है। अगर गुवावा की मैं बात करूं तो गुवावा में जो क्रैकिंग होती है फ्रूट में, और फ्रूट की जो क्रैकिंग होती है वो कॉपर डिफिशियंसी के कारण होती है। तो इस तरह से जो है कॉपर डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में जो है अपने डिफरेंट सिम्टम्स जो है वो कॉज करता है। देखिए कॉपर की जो स्कार्सिटी होती है या जो कॉपर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कुछ हद तक जो है कुछ म्यूटेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस, और ये एक्स अमाउंट में जो है इनका एप्लीकेशन दिया जा रहा है, तो इनके एक्सेस एप्लीकेशन के कारण भी जो कॉपर होता है वो आपका अनअवेलेबल हो जाता है प्लांट के लिए। जो अवेलेबिलिटी होती है कॉपर की वो जो है हैम्पर होने लगती है।
तो ये सारे जो रीजंस होते हैं कॉपर के अनअवेलेबल होने के प्लांट के, ये रीजंस भी होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि एनपीके एनपीके या अगर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये जो है हाई अमाउंट में जो है सॉइल में ऐड किए जाते हैं, क्योंकि प्लांट को जो है इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। दे आर प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो ये जो है ज्यादा अमाउंट में सॉइल में ऐड किए जाते हैं। तो जब कभी भी एक्सेस अमाउंट इनका ऐड होने लगता है तो धीरे धीरे जो अवेलेबिलिटी होती है कॉपर की वो जो है डिस्कार्ड होने लगती है। तो ये है थे आपका, ये था आपका कॉपर के फंक्शंस और उसकी डिफिशियंसी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे बेनिफिशियल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। देखिए बेनिफिशियल एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था 4 बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं और 17 आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों को मिला के हमारे टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कितने हुए, वो हुए आपके 21 फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सिलिकन की। देखिए सिलिकन जो है एक इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है जो कि सेल वॉल को स्ट्रेथन करता है, ठीक है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ड्रॉट रेजिस्टेंस में हेल्पफुल होता है और जो वाटर लॉस होता है उसे रिड्यूस करता है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। देखिए सिलिकन राइस में आपने देखा होगा जो सिलिकन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके पॉलिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के जो प्रोटेक्शन होता है प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है, इंसेक्ट पेस्ट से जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो ग्रेन होता है उसको जो है वो कवर करके रखता है इंसेक्ट पेस्ट से। तो ये जो है सिलिकन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में, उसके प्रोटेक्शन में, बेसिकली उसको प्रोटेक्ट करने में एक प्रोटेक्शन लेयर जो है वो प्रोवाइड करता है प्लांट को और प्लांट पार्ट्स को। नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट की। देखिए कोबाल्ट जो होता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जो है बेनिफिशियल, देखिए बेनिफिशियल वहां पे होगा, बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो है वो हेल्पफुल है, तो कोबाल्ट उसका आंसर होगा। बट अगर पूछा जाए कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम है मोलिब्डेनम, तो वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एसेंशियल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम की। देखिए सोडियम जो होता है वो पोटेशियम को जो है कुछ हद तक इन सर्टेन फंक्शंस के लिए जो है रिप्लेस कर सकता है, ठीक है, रिप्लेस करता है। और जो जैसे फोटोसिंथेटिक पाथवे हो गया, कार्बोजिलिक फोटोसिंथेटिक पाथवे हो गया वहां पे, और जो मेंटेनेंस होती है टर्गर प्रेशर की और प्लांट के ग्रोथ की, वहां पे जो है ये पोटेशियम को रिप्लेस करता है। जैसे आपका ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया या एक्युमुलेशन हो जाता है प्लांट में, उसमें भी जो है ये हेल्पफुल होता है सोडियम, और स्टोमेटा की ओपनिंग को क्या है ये रेगुलेट करता है। तो वो एक्टिविटीज को जो है ये पोटेशियम की जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस को ये कुछ हद तक, जो माइनर फंक्शंस जो होते हैं या जो कुछ मेजर फंक्शंस हैं उनको जो है ये रिप्लेस करता है सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट है वेनेडियम। देखिए वेनेडियम जो होता है ये जो है ग्रीन एल्गी के लिए एसेंशियल होता है, और जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेनेडियम जो होता है वो बेनिफिशियल होता है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी जो है वेनेडियम फेवर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो वेनेडियम का सब्सिट्यूट होता है वो मोलिब्डेनम और नाइट्रोजन जो फिक्स करते हैं राइजोबियम के द्वारा, जो राइजोबियम जो फिक्स करने के लिए जो राइजोबियम के बायोलॉजिकल जो इन्वॉल्वमेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसमें जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका वेनेडियम, ठीक है। तो क्या है ये वेनेडियम, मोलिब्डेनम के लिए सब्सिट्यूट है। मैंने आपको बताया कि मोलिब्डेनम क्या करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए वेनेडियम जो है वो किस एलिमेंट का सब्सिट्यूट है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो वो होगा मोलिब्डेनम का। तो इस तरह से जो है ये हेल्पफुल होता है, ये सारे जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट रोल जो है प्लांट में प्ले करते हैं, और बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या है सब्स्टिट्यूशन भी जो है ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर वो एलिमेंट अवेलेबल नहीं है सर्टेन सॉइल में तो हम जो है सोडियम या वेनेडियम का एप्लीकेशन इनके वर्क फंक्शंस को जो है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये थे आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स।